ये है कि अनअकैडमी से आप इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड, एनडीए के लिए बेस्ट तरीके से तैयारी कर सकते हो अपने घर पे बैठे हुए। आपको करना क्या होगा, आपको इनरोल करना होगा अनअकैडमी प्लस में, या फिर आप लाइव जो स्पेशल क्लासेस हैं वो भी ले सकते हो। लेकिन अगर आप अनअकैडमी प्लस में इनरोल करते हो, ज्वाइन करते हो, तो आपको इतनी सारी जो चीज़ें हैं, फीचर्स हैं, वो मिल जाएंगी। ये है लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। उसके बाद अनलिमिटेड एसेस टू ऑल कोर्सेज, टॉप एडुकेटर्स आपको जो कि इंडिया के टॉप एडुकेटर्स हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। एग्जॉस्टिव कवरेज होगी आपके सिलेबस की, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, लाइव टेस्ट सीरीज होगी, स्टडी मटेरियल जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में, आंसर राइटिंग सेशंस भी होंगे, और साथ ही साथ आपका मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी दिया जाएगा। यहाँ पे अगर आप मेरे कोड से ज्वाइन करते हो तो 10% का ऑफ मिलेगा। कोड है ABSTUDY10 और आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। यहाँ पे बैचेज जो है इंडियन एयरफोर्स एनडीए के लिए स्टार्ट हो चुकी हैं। एनडीए की जो ये बैच है वो वज्र बैच है, जो कि 11 जनवरी से स्टार्ट है और 30 मार्च तक चल। बैच जो कि एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप नेवी के लिए बैच कोर्स है वो भी 12 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है, जो कि 10 अप्रैल को खत्म होने वाला है। साथ ही साथ अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो जैसे ही ऐप को आप ओपन करोगे तो ऐसा गेट सब्सक्रिप्शन का ये इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहां पे क्लिक करोगे, यहां पे ऑप्शंस आ जाएंगे आप कौन सा लेना चाहते हो। उसके बाद आपको यहां पे कोड डालना होगा ABSTUDY10। अगर आप पहले ही स्पेशल क्लास देख लोगे कोड डाल करके तो आपका ऑलरेडी यहां पे फिलअप आएगा, ऐसे देख सकते हो ABSTUDY10। उसके बाद प्रोसीड टू पे कर देना, आपको 10% का डिस्काउंट उसी टाइम पे मिल जाएगा। यहां पे और भी क्विज भी आप लगा सकते हो, बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल है। अब बात करते हैं हमारे टॉपिक पे, जाकर चेक करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। ये वीडियो खास उन लोगों के लिए है जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड, नाविक, डीबी, जीडी एंड यांत्रिक 2021 बैच के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर चुके हैं। आप सभी लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखती है आप लोगों के सिलेक्शन प्रोसीजर में, आप लोगों के सिलेक्ट होने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो जैसा कि आपको पता है कि नाविक डीबी और नाविक जीडी के लिए अलग अलग एग्जामिनेशन जो है कंडक्ट कराए जाएंगे। अगर आप नाविक डीबी का एग्ज़ाम देंगे तो आपको ओनली सेक्शन 1 को क्लियर करना होगा, नाविक जीडी के लिए आपको सेक्शन 1 और 2 दो को क्लियर करना होगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग एक चीज है, जो आपका फर्स्ट एग्जाम होगा यानी कि जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, उस एग्जाम को देने के बाद, आपका जो फर्स्ट एग्जाम होगा उसे देने के बाद जब आप सिलेक्ट हो जाओगे तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब इससे फायदा होगा या कि आपका घाटा होगा ये सब कुछ तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? रीअसेसमेंट ऑफ इनकंसिस्टेंट परफॉर्मर्स, पास और फेल, यहां पे एक बार फिर से डिसाइड किया जाएगा। और इस बार डिसाइड करने का तरीका बिल्कुल अलग है इंडियन कोस्ट गार्ड का। भाई यहां पे क्या कहा जा रहा है कि इनकंसिस्टेंट परफॉर्मर्स आर दोज कैंडिडेट्स हुज परसेंटेज स्कोर्ड इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन इज 30% और मोर देन परसेंटेज सिक्योर्ड इन द क्वालिफाइंग बोर्ड डिप्लोमा एग्जामिनेशन। लाइक अगर आप इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के लिए एग्जाम देते हो, उसके कैंडिडेट हो, और आपने 110 मार्क्स के एग्जाम में सेक्शन 1 में 60 और सेक्शन 2 में 50 जो कि है देयर बाय सिक्योरिंग 100% मार्क्स इन रिटन एग्जामिनेशन। तो मान लो आप 110 में 110 कर देते हो अगर आप नाविक जीडी में, ठीक है। और अगर आपका एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ द कैंडिडेट इज 12th क्लास में आपका 70% हो और लेस देन 70% हो, देन आप क्या है इनकंसिस्टेंट परफॉर्मर माने जाओगे, यानी कि ये आपकी इनकंसिस्टेंसी दर्शाएगा। भाई आपका इतना ज्यादा विकास अचानक से कैसे हो गया, मुझे नहीं पता ये चीज क्यों लागू की गई है। लेकिन उन सभी कैंडिडेट्स का देखो क्या लिखा गया है, देयर विल बी अ एडिशनल रिटन एग्जामिनेशन फॉर इनकंसिस्टेंट परफॉर्मर्स, दिस टेस्ट विल बी हेल्ड आफ्टर क्वालिफाइंग PFT डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर ओनली इनकंसिस्टेंट परफॉर्मर्स, दिस टेस्ट इज ओनली ऑफ पासिंग मार्क्स एंड विल बी सिमिलर टू द रिटन एग्जामिनेशन at stage 1. The marks scored in the retest will have no bearing on the final merit as the merit will be decided only on the written examination of stage 1. However, if the candidates fail to pass the reassessment written examination, then he will be declared disqualified, fail and his candidatures will be cancelled. यानी कि अगर वहाँ पे आप fail होते हो, then आपको क्या किया जाएगा, disqualify कर दिया जाएगा, आपका candidature जो है वो भी, यानी कि अभ्यर्थिता जो आपकी है हिंदी में जिसे बोला जाता है, वो
रद्द कर दी जाएगी। तो ये बात याद रखना कि जो भी लोग, क्योंकि इंडियन कोस्ट गार्ड चाहती है कि पहली बार है तो सभी चीज़ें अच्छे से हो, और इस बार नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो क्या पता किसी को क्वेश्चन जो है पेपर मिल जाए और उसके बाद वो 110 में 110 या फिर नाविक डीवी का है तो 60 में 60 कर आए, तो उसके लिए इन्होंने ये चीज़ें की हैं। तो आपका जब जो फिजिकल टेस्ट हो जाएगा उसके तुरंत बाद ये टेस्ट लिया जाएगा, और ये उन्हीं कैंडिडेट्स का लिया जाएगा जिनके साथ ये चीज़ होगी। यानी कि अगर आप 110 नंबर कर देते हो और आपका 12th में सिर्फ 70% है या लेस देन 70% है, फिर आप कैसे इतना ज़्यादा कर पाए, ये जानना चाहते हैं। मेन मोटिव उनका वही है कि आपने कैसे किया। तो सिंपल सी बात है, ध्यान से देना एग्जामिनेशन को, कहीं से चीट वीट करने की कोशिश मत करना। तो ये चीज़ है, आई होप कि समझ गए होंगे आप लोग, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। कोई कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। साथ ही साथ अगर आप नाविक डीबी जीडी एंड साथ ही साथ यांत्रिक की तैयारी कर रहे हैं, नेवी एमआरएसएसआर डबल ए की या फिर एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे जो अनअकैडमी पे है, अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक है, चेक करो, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर चेक करो, ज्वाइन करो, फॉलो करो। क्लासेस 8 PM में और सुबह के 10 AM में आती हैं, आप फॉलो कर सकते हो। अगर पहले वाली क्लासेस देखना चाहोगे पहली बार, तो AB Study 10 कोड यूज़ करना, फ्री में क्लासेस देख पाओगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच गाइज। सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड, नाविक जीडी, डीबी या फिर यांत्रिक की तैयारी कर रहे हैं और लाइव क्लासेस चाहते हैं, तो आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पे, और टाइमिंग भी आ गई है आपके लिए अनअकैडमी पे जो क्लासेस होंगी। सबसे पहले स्टैटिक जीके की बात करते हैं, स्टैटिक जीके फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको मिलेंगी 8 PM में डेली रात के 8 बजे। उसके बाद जनरल साइंस जो है 10 AM में सुबह के 10 बजे मंडे टू फ्राइडे मिलेंगी, और लास्ट में मैथ्स एंड फुल सेट आपको 2 दिन सप्ताह में मिलेगा 10 AM में सुबह के 10 बजे, वो भी सैटरडे और संडे को। तो जाओ वहां पे फायदा उठाओ। और एक और चीज, वो मैं PDF भी देता हूं, फुल PDF भी आपको क्लास के बाद मिल जाती है। तो डिस्क्रिप्शन में मेरा प्रोफाइल का लिंक है, जाकर फॉलो कर लो, आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा जब क्लासेस स्टार्ट होंगी। अगर कोई कोड पूछा जाए पहली बार क्लास देखने में, तो आप डाल देना AB Study 10 डालोगे, आप देख सकोगे क्लास को। चलो अभी बात करते हैं, लेकिन